मोतिहारी के केसरिया थाना के रघुनाथपुर गांव में एक नवविवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या कर दी गई है। नवविवाहिता के पिता ने बताया कि वो अपनी इकलौती बेटी की शादी एक साल पहले रघुनाथपुर के विनोद साहा से की थी। वहीं मृतका के भाई ने आरोप लगाते हुए कहा कि दहेज में लड़का के परिवार वाले मोटरसाइकिल की मांग कर रहे थे, मोटरसाइकिल नहीं देने पर जहर देकर उसकी बहन को मार डाला। रात में उनको पूरे भी फैमिली में झगड़ा हुआ तो फोन बातचीत हुई, फिर सुबह कॉल हुआ कि हम लेके जा रहे हैं इनको, यहाँ से रेफर कर दिया है केसरिया से, लेके जा रहे हैं हम पटना। तो वहाँ एक मेरे गांव में एक वार्ड है, वो बोले हैं कि जब एम्बुलेंस का आवाज नहीं आ रहा है, शक हुआ कि झगड़ा का मैटर कुछ हुआ होगा। तो हम लोग डायरेक्ट दो गाड़ी से आए लोग, यहाँ डायरेक्ट यहाँ पे कोई था नहीं, कटहरिया लड़के वाले के घर पे, यहाँ पे लड़की के दयादिन थे, उनसे पूछा गया कि लड़की कहाँ है तो नहीं बताइए। तो सब हालत इधर हुआ था, लड़के के पिता जो मेरे अंकल जी हैं वो लग रो के पूछने कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी का चेहरा देखना ही है, वो है तो कोई नहीं बताया। तो हम लोग शक हुआ और तो गाँव में हम लोग फोन किए तो सब कोई आया गाँव से, तो लगा चावल ढूंढने तो बांध के नीचे लोग अंदर चावल में ले जाकर बांध के नीचे देखा धुआं दिखाई दिया। तो वहाँ गया लोग तो पैर और काट दिया गया था और बाह काट दिया गया और वहाँ फूकने का तैयारी चल रहा था, आग लगा दिया। मृतका के पिता ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही इस मामले में 13 लोगों को नामजद किया गया है। मौके से सभी आरोपी फरार हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण श्रीवास्तव की रिपोर्ट।